1666 में आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। 1843 में आज ही के दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए। 1851 में आज ही के दिन देश में पहली मालगाड़ी रुड़की से चलाई गई थी। 1853 में आज ही के दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा माँ का जन्म हुआ था। 1882 में आज ही के दिन थॉमस अल्वा एडिसन के बनाए गए बल्बों से पहली बार क्रिसमस ट्री सजाया गया। 1887 में आज ही के दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ। गणित के क्षेत्र में अपने समय के अनेक दिग्गजों को पीछे छोड़ने वाले श्रीनिवास रामानुजन ने केवल 32 वर्ष के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्रों और सिद्धांत दिए। इन्होंने गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था और खुद से गणित सीखा। अपने जीवन भर में गणित के 3,884 प्रमेयों का संकलन किया। हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। 1910 में आज के दिन अमेरिका में पहली बार डाक बचत पत्र जारी किया गया। 1941 में आज के दिन यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो ने सेना की नई ब्रिगेड का गठन किया था। 1947 में आज के दिन इटली की संसद ने नया संविधान अंगीकार किया। 1978 में आज के दिन थाईलैंड ने संविधान अंगीकार किया। साल 2006 में आज के दिन भारत और पाकिस्तान ने स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। 2007 में आज के दिन फ्रेंच गुआना के कोस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए गए यूरोप के एरियन रॉकेट ने अंतरिक्ष कक्षा में दो उपग्रह स्थापित किए।